मेरा एक फ्रेंड है पूना में, मैंने उससे बात करी, तुम्हारी डिलीवरी हम लोग वहीं पर करवाएंगे। हम लोग आज से कुछ दिन के बाद यहाँ से पूना चले जाएंगे, ये बहाना बना के कि भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और फिर वहां से मैं वापस अकेला लौटाऊंगा। और जब तुम्हारी डिलीवरी होगी तो हम ये कह देंगे कि प्रीमैच्योर डिलीवरी थी। घर वाले आपसे पूछेंगे ना कि आप अकेले। अब देखो मिस्ट्री, मैंने इस बारे में अब तक सोचा नहीं है कुछ, मैं कुछ जल्द सोच लूंगा। अरे मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया था, तुम्हें बताना ही भूल गया। क्या? एक सेकंड दिखा दो। इसे हम विंडो पे लगाएंगे। हाँ आओ लगाते। इतने सारे लोग हो जाएंगे विनोद, खर्चा कितना बढ़ जाएगा। मंजू तुम चिंता मत करो, मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया है और एक दो दिन में लोन अप्रूव हो जाएगा। वैसे तो मिस्टर मित्तल सादगी के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से तो हम कोई कसर नहीं छोड़ सकते ना। विनोद हम चाहे जितना कर लेकिन मिस्टर मित्तल की बराबरी नहीं कर पाएंगे। वो तो कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम जो बन पड़ता है वो तो कर सकते हैं ना। अरे मिस्टर मित्तल। हेलो सर, बोलिए। अरे विनोद जी प्लीज आप मुझे सर मत कहिए। अच्छा मैंने सुना आपने कुछ बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है। जी वो एक्चुअली शादी ब्याह का मामला है तो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कहाँ आप ये बैंक के चक्कर में पड़ रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप मेरी कंपनी से लोन लीजिए। कोई इंटरेस्ट नहीं, अब प्लीज इसके लिए मना मत कीजिएगा। लेकिन ये लेकिन वेकिन नहीं विनोद जी। देखिए अब इतना हक तो बनता है ना मेरा। मैं अपने अकाउंटेंट को अभी फोन करता हूँ, आपको जो रकम चाहिए उसे कह दीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है? मैं आपका थैंक यू कैसे करूँ, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं कि। नहीं विनोद जी, मैं अपनों के लिए कर। विनोद मुझे तो पूरा विश्वास हो गया है कि मिस्टर मित्तल हमारी पुन्नी को महारानी बनाकर रखेंगे। देवा, इस मित्तल के दिमाग में चल क्या रहा है? पहले वो शादी के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था, और अब ये सारी तैयारियां, ये लोन एहसान पर एहसान किए जा रहे हैं। आखिर चाहता क्या है ये? क्या बात है, तुम लोग यहाँ पर? ऑनर वो एक्चुअली ओवी का मन था कि उसे मंदिर जाना है, तो तुम उसे ले आया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी जगह पर आना और यहाँ पर आकर प्रार्थना करना बच्चे पर काफी अच्छा असर देता है। आप लोग अंदर नहीं आओगे? नहीं नहीं, वो हमारे दर्शन हो गए। ओके, हम जरा दर्शन करके आते हैं। चलो। मैं ही प्रसाद बच्चों में बांट के आती हूँ। हाँ तुम लोगों ने इन गरीब बच्चों को भगवान का प्रसाद बांट करके बहुत ही नेक काम किया है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे और तुम्हारे बच्चे को भी भगवान सलामत रखे। नहीं पंडित जी, वो आपको आपको गलतफहमी है, वो मेरी बीवी वहां पर है। ओवी पंडित जी, ये मेरी बीवी। तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, भगवान तुम दोनों के बच्चे को सलामत रखे, सुखी रहो। मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा, जब मैं आपसे शादी करना चाहती थी तब तो आप मुझे एक चौल वाली मामूली लड़की बुलाते थे, मेरी इंसल्ट किया करते थे, और अब आप वही चौल वाली मामूली लड़की से शादी करना चाहते हैं, सबके सामने प्यार का ऐलान करें। रिलैक्स, बीच में सांस भी लिया करो यार, एक ही सांस में इतने सारे सवाल करोगी तो। मैंने अभी सिर्फ शादी के लिए हाँ कही, शादी थोड़ी ना की है। क्या मतलब? अगर आपको शादी करनी ही नहीं थी तो वहां आकर उस दिन मेरा साकर पूरा क्यों तोड़ा? तुम ही शादी नहीं करना चाहती थी उस प्रदीप से। हाँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी अपनी आई बाबा की खातिर मैंने। आई बाबा के लिए? तो ये बताओ कि हमारी तस्वीर उस प्रदीप को क्यों भेजी? मानना पड़ेगा पुन्नी तुम्हें, क्या चाल चलिए तुम। बट नाउ इट्स माय टर्न। ये अब ये क्या है? छोटे मोटे कागजात है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तभी शादी कर सकता हूँ जब तुम इन कागजात पे साइन करो।